दोहरे हत्याकांड मामले में मेडिकल कॉलेज आईजी पहुंचे और चश्मदीद से बात कर पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए और कहा कि प्रथम दृष्टया प्रधानी की रंजिश में घटना को अंजाम दिया गया है। मंझिला के दोहरे हत्याकांड का जायजा लेने आईजी मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने घटना के चश्मदीद से बात की और मारने वाले के बारे में पूछा। इस पर गंभीर घायल चश्मदीद ने गांव के 3 लोगों को पहचानने की बात कही है, जिसमें आईजी ने कड़ी से कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। फिलहाल मृतक के परिजन बुलडोजर से मकान गिराए जाने और कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस दोहरे हत्याकांड की वारदात को मंझिला थाना क्षेत्र के चठिया पुल के आगे गौठिया गांव के पास अंजाम दिया गया है। दिन दहाड़े दिल दहला देने वाली वारदात से पारा गांव समेत इलाके में सनसनी फैल गई, जिसके बाद एसपी राजेश द्विवेदी समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा, जिसमें एसपी ने परिजनों को ढांढस बंधाते हुए मामले में कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। दोहरे हत्याकांड की खबर सुनकर आईजी लखनऊ रेंज तरुण बाबा हरदोई के मेडिकल कॉलेज पहुंचे और मृतक के परिजनों को कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इस दौरान मौजूद परिजनों व ग्रामीणों ने आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाए जाने और कड़ी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा है कि जब तक उनका घर नहीं गिराया जाता है, तब तक वह मृतकों का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। आईजी लखनऊ रेंज तरुण गाबा ने मामले में पुलिस को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस मौके पर उनके साथ पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी मौजूद रहे। अखिलेश्वर सिंह की रिपोर्ट। निकल कर आई है और क्या पूरे मामले में आप लोगों ने डायरेक्शन दिए हैं पुलिस को? अभी इस हत्याकांड की तफ्तीश की जा रही है और जो एक व्यक्ति इंजर्ड हुआ है, जो वहाँ पर मौजूद था घटना के समय और बच गया था, तो उसने जो तथ्य बताए हैं उनकी हम छानबीन कर रहे हैं और जो भी इसमें दोषी हैं, जो सुराग हमें मिले हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कारण सर क्या नज़र बताया गया है घटना का? अभी तक जो कारण बताया जा रहा है वो गाँव में जो प्रधानी की कुछ रंजिश की बात सामने आई है, उसी के चलते ये घटना कारित किया जाना बताया गया है। तो उसकी तफ्तीश हम पूरी तरह से कर रहे हैं और साक्ष्य एकत्रित करके सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। ऑर्गेनाइज कैसे घटना कारित की गई? जो घटना है, मोटरसाइकिल पे 3 व्यक्ति आ रहे थे और बता रहे हैं कि सामने से बोलेरो गाड़ी में जो अभियुक्त पक्ष थे उसके कुछ लोग थे, जिन्होंने सामने से टक्कर मारी और उसके बाद लाठी डंडों से, हॉकी स्टिक वगैरह से इन पे प्रहार किया है। ये चीज़ें बताई गई हैं और इसी की छानबीन की जा रही है और जो भी इसमें अभियुक्त हैं उनके खिलाफ।